नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप रोजगार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल जीओबी पीवीटी को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की सुर्खियों की ओर। पुलिसकर्मियों के खिलाफ मार्च में अब तक निपटाए गए 800 मामले, बिहार में मिले कोरोना के 10 से कम मामले। बिहार डीएलएड के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। बिहार में जमीन अधिग्रहण कानून में हुआ बड़ा बदलाव। पीएम मोदी करेंगे बिहार के 85 छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पुलिसकर्मियों के खिलाफ मार्च में अब तक निपटाए गए 800 मामले। पुलिसकर्मियों के खिलाफ लंबित मामलों को निपटाने को लेकर बिहार पुलिस अब कार्रवाई करने वाली है। बिहार में पुलिस महकमे में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक लगभग 4000 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई लंबित है। हालांकि बिहार पुलिस में हजारों की संख्या में लंबित पड़े विभागीय मामलों का निष्पादन जोर शोर से किया जा रहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक एक महीने के अंदर लगभग 800 मामलों का निष्पादन किया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कहीं न कहीं विधानसभा में लगातार पुलिसकर्मियों पर उठ रहे सवाल को लेकर पुलिस मुख्यालय गंभीर नजर आ रही है। बिहार में मिले कोरोना के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 31 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो गया में 1, मुंगेर में 1, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 1 और वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान 53,757 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में गर्मी के कारण सूखने लगे ताल तलैया, पानी के लिए व्याकुल हुए पशु पक्षी। बिहार में गर्मी के कारण ताल तलैया, पानी के लिए और पशु पक्षी बेहद ही व्याकुल नजर आ रहे हैं। बिहार में पारा तेजी से बढ़ रहा, अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम पारा भी सामान्य से अधिक पार कर चुका है। लोगों को अब भीषण गर्मी सताने लगी है। लगभग एक सप्ताह से तापमान का बढ़ा हुआ स्तर लोगों को परेशान कर रहा है। सामान्य से अधिक तापमान और बदलते मौसम का असर ताल तलैया पोखरों पर दिखने लगा है। गर्मी के साथ ही ताल पोखर का पानी भी सूखने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो कई गांव के तालाब को पूरी तरीके से सूख चुके हैं। इससे जंगली जानवर और पक्षियों के समक्ष पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। साल 2018 में मुख्यमंत्री जल जीवन हरियाली योजना के तहत गोपालगंज जिले के कुआं तालाब जल स्रोत को अतिक्रमण मुक्त कर उसे पुनर्जीवित करने का अभियान चला, जो बाद में ठंडे बस्ते में पड़ गया है। गया में मुंबई के लिए इंडिगो ने शुरू की विमान सेवा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी गया से मुंबई के लिए सफर करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। बिहार के गया जिले में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जाना अब आसान हो गया है। इन शहरों में आप बहुत ही कम समय में पहुंच जाएंगे। गया से मुंबई के लिए इंडिगो ने विमान सेवा शुरू कर दी है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा बहाल की गई हवाई सेवा का लाभ रविवार को यात्रियों ने उठाया। रविवार को गया से मुंबई या कोलकाता के लिए उड़ान भरे इंडिगो के विमान में 64 यात्री रवाना हुए। ये विमान दिल्ली से गया पहुंचा और गया से कोलकाता होते हुए मुंबई पहुंचेगा। इनमें से कई यात्री कोलकाता में न उतर कर सीधे मुंबई जाएंगे। गया एयरपोर्ट डायरेक्टर वंगजीत शाह ने बताया है कि अब हर दिन गया से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के लिए विमान सेवा उपलब्ध हो गई है। बिहार डीएलएड के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन। बिहार डीएलएड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीते दिन ही शुरू हो गई है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर डाल दी गई है। 8 अप्रैल तक डीएलएड रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। उम्मीदवार 10 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ ही रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इस साल डीएलएड रजिस्ट्रेशन के लिए 400 रूपये का भुगतान करना होगा। आवेदन केवल स्कूल के प्रिंसिपल के माध्यम से किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को स्कूल से फॉर्म लेकर भरना होगा और यही जमा करना होगा। बिहार डीएलएड कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही बोर्ड डमी एडमिट कार्ड जारी करेगा। यह एडमिट कार्ड secondary.biharboardonline.com पर 11 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6421 हेडमास्टर भर्ती की आवेदन तारीख बढ़ी। बिहार लोक सेवा आयोग ने राज्य के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 6421 हेडमास्टर भर्ती के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है, जिसके संबंध में आयोग की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर 28 मार्च 2022 को अहम नोटिस जारी किया गया। बीपीएससी के नए नोटिस के अनुसार बीपीएससी के जरिए शिक्षा विभाग में उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 6421 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 4 मार्च को प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए पूर्व में 28 मार्च तक तारीख निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अब 11 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की तारीख पहले 4 अप्रैल 2022 से, जिसे बढ़ाकर 18 अप्रैल 2022 कर दिया गया है। फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों पर एफआईआर नहीं होगा दर्ज। फर्जी प्रमाण पत्र सरकारी स्कूल में फर्जी सर्टिफिकेट से नियोजन का प्रयास करने वाले 9 अभ्यर्थियों पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। प्रारंभिक विद्यालयों में पिछले दिनों नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई थी। काउंसलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की गई, ताकि पिछली बार की तरह इसमें फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों का नियोजन नहीं हो सके। जांच के दौरान 9 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे पाए गए हैं जिनके प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इनमें से इन अभ्यर्थियों ने अपनी अर्हता वाले प्रमाण पत्रों के स्थान पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। इसकी जानकारी प्रमाण पत्रों की
की जांच के दौरान लग गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र ही नहीं दिया गया। इस मामले की जानकारी होने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन 9 शिक्षकों की जानकारी देते हुए विभिन्न नियोजन इकाइयों को निर्देशित किया था कि वे लोग इन फर्जी प्रमाण पत्र देने वाले अभ्यर्थियों पर FIR दर्ज करें। बिहार में जमीन अधिग्रहण कानून में हुआ बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने शहरों के विकास के लिए बने मास्टर प्लान को जमीन पर उतारने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब इसके लिए जमीन की कमी नहीं रहेगी। जमीन अधिग्रहण के पुराने कानून में बदलाव के लिए सोमवार को विधानसभा में बिहार शहरी आयोजन तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया। विपक्ष के सांकेतिक विरोध के बीच यह ध्वनिमति से पारित हो गया। इसके साथ ही मास्टर प्लान की जरूरत के मुताबिक सरकारी प्राधिकार की तरफ से होने वाले जमीन अधिग्रहण में भूस्वामियों की सहमति की बाध्यता समाप्त हो गई है। बिहार के शहरी क्षेत्र में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बिहार सरकार ने खुशखबरी पेश की है, जिसके तहत अब इन सभी शिक्षकों को अधिक वेतन देने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत राज्य में नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद से 8 किलोमीटर की सीमा में स्थित विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को आवास भत्ता मिलेगा। लेकिन आवास भत्ता किसी किसी को मिल रहा था और किसी को नहीं। हालांकि नई पंचायतों के साथ ही ये दिक्कत ज्यादा आ रही थी। इसे समाप्त करते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने गाइडलाइन जारी कर कहा है कि सभी तरह के शिक्षकों को यह भत्ता मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे बिहार के 85 छात्रों से परीक्षा पर चर्चा। जल्द ही बिहार के 85 छात्र छात्राओं से परीक्षा पर पीएम मोदी के साथ चर्चा होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 1 अप्रैल को आयोजित इस कार्यक्रम का किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए राज्य से 85 परीक्षार्थियों का चयन किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन बच्चों का चयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। इसके अलावा सूबे में 25 शिक्षक और 20 अभिभावक भी सीधे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इन्हें प्रधानमंत्री से प्रश्न करने का मौका मिलेगा। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होगा। आपको बता दें कि बिहार में कुल 32,934 आवेदन गए थे। इनमें से 24,156 बोर्ड परीक्षार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें 85 का चयन हुआ था। वहीं बिहार के निजी और सरकारी स्कूल मिलाकर 6,986 शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। बिहार में होंगे मध्यावधि चुनाव। बिहार में कभी भी अब मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, जिसका दावा खुद चिराग पासवान ने किया है। जिसके तहत ही बीते दिन बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए प्रचार करने के मकसद से दरभंगा दौरे पर आए चिराग ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, मध्यावधि चुनाव होकर ही रहेगा। इसके साथ ही चिराग ने कहा है कि अभी तो मुकेश सहनी का प्रकरण हुआ है, जल्द ही भाजपा और जेडीयू में भी टूट होगी। गठबंधन में विरोधाभास के कारण ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए दूसरी जगह व्यवस्था में जुट गए हैं। वहीं जदयू पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि जदयू का एकमात्र लक्ष्य है भाजपा को नुकसान पहुंचाना। नीतीश कैबिनेट से बाहर हुए मुकेश सहनी। नीतीश कैबिनेट से मुकेश सहनी बीते दिन बाहर हो गए हैं, जिस पर खुद ही राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। जिसके तहत वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री रहे मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। खबर आ रही है कि राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर ही उन्हें बर्खास्त करने की स्वीकृति दी है। इस तरह से मुकेश सहनी का 496 दिनों का कार्यकाल समाप्त हो गया। भाजपा खेमे से मंत्री बनने के बाद भी भाजपा से पंगा लेना उनके लिए भारी पड़ गया है, जिसके बाद ही मुकेश सहनी को कांग्रेस से निउताया है। कन्हैया कुमार को न्यायालय में होना होगा हाजिर। बिहार से निकले नेता कन्हैया कुमार विवादों में अक्सर घिरे रहते हैं। इसी कड़ी में अब यहां कांग्रेस नेता और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को न्यायालय में हाजिर होने का समन भेजा गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पर 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बछवाड़ा थाना में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उन्हें न्यायालय में हाजिर होने का समन भेजा गया। जानकारों की माने तो जल्द ही उनकी परेशानी अब बढ़ने वाली है। सीएम नीतीश ने अंजुम इस्लामिया के काम का बीते दिन निरीक्षण किया। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अंजुमन इस्लामिया हॉल में कराए गए कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि एक तल पर बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यालय और विद्यार्थी के लिए कल्याणकारी पाठ्यक्रम की व्यवस्था करे। राहुल तेवतिया ने लखनऊ से छीन ली हलक से जीत। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के 15वें सीजन में लखनऊ और गुजरात के बीच खेले गए मैच में गुजरात की टीम को जीत मिली है। बता दें कि ये दोनों ही टीम पहली बार मैदान में थी। आपको ये भी बता दें कि ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने ही सुपर जायंट्स की टीम को 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाकर दिए। गुजरात की टीम ने 19.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाने में ये कामयाब रही। गुजरात की टीम 5 विकेट से ये मैच जीत गई है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ की टीम की तरफ से दीपक हुड्डा और आयुष बदोनी की बल्लेबाजी के बदौलत ही टीम 158 रन का स्कोर कर पाई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, रवि सिंह, पल्लवी कुमारी, प्रभात कुमार, दुर्शाद आलम, प्रवीण कुमार, प्रभा कुमारी, शोभा सिंह, नीरज कुमार, दिव्यांशु कुमारी।
आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।